आपने अभी तक हमारे चैनल जीके वेब प्रदीप सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने हाल ही में एस्टेट का पेपर क्रैक किया है। दोस्तों, रियलिटी में इस बार वाला एस्टेट सबसे टफ था, जहां पीआरटी का रिजल्ट लगभग 12% रहा, पीजीटी का रिजल्ट लगभग 9% रहा और सबसे चौंकाने वाला दोस्तों रिजल्ट रहा था पीजीटी का 0.82, यानी इतिहास में पहली बार हुआ कि पीजीटी का रिजल्ट इतना डाउन आया हो। दोस्तों, हमारे बहुत से बच्चों के एस्टेट क्लियर हुए और यही आपकी दुआओं का असर था, माता पिता का आशीर्वाद था, गॉड जी का आशीर्वाद था, मेरा खुद का पीजीटी का एस्टेट इस बार क्लियर हो गया। ठीक है, ये आप ही का आशीर्वाद था, रिजल्ट 1% से ही भी कम आया और आपकी दुआओं का असर था, मेरा पीजीटी इंग्लिश का एस्टेट इस बार क्लियर हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आपका कोई भी पेपर क्लियर हुए बगैर नहीं रहेगा। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बड़ा ही मजेदार रहने वाला है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आज का आपने सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लिया तो आपको कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे के एग्जाम उठाकर देख लो, आप एसएससी का, सीजीएल का, कितने मर्जी एग्जाम उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आता है नदियां व उनके उद्गम स्थल। आज आप इसे हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे और भविष्य में इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम अपना सबसे महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नदियां व उनके उद्गम स्थल। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, ये तीनों नदियां निकलती है मानसरोवर तिब्बत से। अब बात आती है हम इन्हें किस प्रकार कनेक्ट करेंगे। ब्रह्मपुत्र में दोस्तों हमें बर्मा नजर आ रहा है और सतलुज में हमें संत नजर आ रहा है और सिंधु में हमें नजर आ रहा है साधु। ब्रह्मपुत्र में बर्मा नजर आया, सतलुज में हमें संत नजर आया और सिंधु में क्या नजर आया हमें साधु। बर्मा जी संत है और बर्मा जी क्या है साधु। और हमारे भारतवर्ष में ना संतों और साधुओं का दोस्तों क्या होता है, मान सम्मान। मानसरोवर को पढ़ेंगे मान सम्मान। बर्मा जी संत थे, बर्मा जी संत थे, बर्मा जी साधु थे और हमारे भारतवर्ष में साधुओं का क्या होता है, मान सम्मान। तो मान सम्मान से मानसरोवर कर लेंगे और दोस्तों मानसरोवर कहाँ रहेगा हमारा, तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी तीनों कहाँ से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, बहुत से एग्जामों में देखी गई है नर्मदा, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा में बात नजर आ रही है जो ना मरे, नर्मदा में कौन सी फीलिंग आ रही है, जो ना मरे। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं ना जो ना मरे वो अमर, जो ना मरे वो क्या होता है अमर। तो नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में। नर्मदा जो ना मरे और दोस्तों जो ना मरे वो क्या होता है अमर। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, ताप्ती नदी, ये कहां से निकलती है, मुलताई की पहाड़ियों से। इसे तो सीधा ही कनेक्ट कर लोगे, ताप्ती में ता और ताई में ता, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, मुलताई की पहाड़ियों से। दूसरे शब्दों में मैं कहूं ताप्ती में आधा प और मुलताई में आधा ल, इस हिसाब से भी कनेक्ट कर लेंगे, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, मुलताई की पहाड़ियां, ये कहां रहेगी दोस्तों, मध्य प्रदेश। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी में हमें गोद नजर आ रहा है और गोद में दोस्तों कौन रहते हैं, जो नौसिखिए हो, बच्चे गोद में रहते हैं, बच्चे कुछ जानते नहीं है ना, तो गोद में कौन रहेंगे, जो नासिक्य हो, जो नौसिखिए हो। तो गोदावरी कहां से निकलती है, नौसिखिए से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों नासिक, और दोस्तों नासिक कहां रहेगा हमारा, महाराष्ट्र में। तो गोद में कौन रहेंगे, जो नासिक्य हो, तो गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, राम गंगा, ये निकलती है नैनीताल। ठीक है, राम गंगा में हमें राम नजर आ रहा है। दोस्तों, नैनी का मतलब होता है नयन और ताल,
ठीक है, राम के नयन कैसे थे, राम के तो राम भगवान थे ना, भगवान के आंखों में भी क्या थी, ताल। तो राम के नयन क्या थे, राम के नयन में क्या थी, ताल। तो राम गंगा कहां से निकलती है दोस्तों, नैनीताल। वो आपने गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मेली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, वो गाना भी नैनीताल में शूट किया गया, इस हिसाब से भी कनेक्ट कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों गंडक, गंडक कहां से निकलती है, नेपाल। दोस्तों गंडक को पढ़ेंगे हम गेंडा, गंडक को दोस्तों क्या पढ़ेंगे, गेंडा। दोस्तों गेंडा कोई पालता है, गेंडा भयंकर जानवर है ना, और भयंकर जानवरों को कोई पालता है क्या, अगर आपको गेंडा पसंद ही नहीं है तो ना पाल, नेपाल। तो गंडक नदी कहां से निकलती है, नेपाल। गेंडा गेंडे को ना पाल, नेपाल। गंडक नदी कहां से निकलती है, नेपाल। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कोसी नदी, कम से कम चार पेपरों में देख पूछा जा चुका है कोसी नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है सपत कोसी की, नेपाल। कोसी में कोसी और सपत कोसी की में भी कोसी, इजिली कनेक्ट कर लेगा ना, कोसी नदी कहां से निकलती है, सपत कोसी की, और सपत कोसी की दोस्तों कहां रहेगा हमारा, नेपाल। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों सोन नदी, सोन में दोस्तों हमें नजर आ रही है सेना, सोन में हमें क्या नजर आ रही है, सेना। और दोस्तों सेना के जो जवान है ना वो मरते नहीं, क्या हो जाते हैं, अमर। तो सोन नदी भी कहां से निकलेगी, हमें हमारी अमरकंटक की पहाड़ियां, सोन में सेना और सेना के जवान दोस्तों मरकर भी क्या हो जाते हैं, अमर। तो सोन नदी हमारी कहां से निकलेगी, अमरकंटक की पहाड़ियां, ये कहां रहेगी दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों चंबल, चंबल नदी कहां से निकलती है, जाना पाव की पहाड़ियां। दोस्तों आपने सुना होगा चंबल में एक डाकू फेमस था, नाम था उसका वीरप्पन, और वो चंदन की तस्करी किया करता था, और वीरप्पन को मारने के लिए ना हमने अमेरिका की सहायता ली थी, यानी वीरप्पन क्या था, डाकू। वो किस जंगल में रहता था, चंबल के जंगलों में रहता था। अगर चंबल में डाकू रहता है तो वहां पांव से जाना क्या है, मना। अगर चंबल में डाकू है तो पांव से मत जाना। तो चंबल कहां से निकलेगी, जाना पाव की पहाड़ियां। चंबल में डाकू है तो पाव से मत जाना, और जाना पाव कहां रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों चेनाव नदी कहां से निकलती है, चेनाव नदी निकलती है बारा ला चाला हिमाचल प्रदेश में। चेनाव में दोस्तों हमें क्या नजर आ रही है, नाव। चेनाव में क्या नजर आ रही है दोस्तों हमें, नाव। अगर हम नाव का सफर कर रहे हैं और बीच रास्ते में है और तूफान आ गया, तो नाव का सफर कर रहे हैं अगर तूफान आ गया दोस्तों हम क्या हो जाते हैं, लाचार। हम क्या हो जाते हैं, लाचार। आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो जाती है दोस्तों, नाव में अगर तूफान आ गया तो हम क्या हो गए, लाचार। तो ये चेनाव नदी कहां से निकलती है, बारा लाचाला। ये बारा लाचाला कहां रहेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों जेलम नदी, जेलम नदी कहां से निकलेगी, बेरीनाग। बेरीनाग पीर पंजाल कहां रहेगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। जेलम, जेलम में दोस्तों जेलने वाली बात नजर आ रही है, जेलम में कौन सी बात नजर आ रही है, जेलने वाली। सपोज करो दोस्तों हम अकेले रूम में पढ़ रहे हैं और रूम में अचानक सांप घुस आया, तो सांप घुस आया हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो सांप को क्या पड़ेगा दोस्तों, जेलना पड़ेगा। तो जेलना किसको पड़ा दोस्तों, नाग को। किस नाग को, बेरी नाग। बेरी इसलिए कह रहा हूं, नाग हमको डस भी सकता है ना, तो जेलना हमें किसको पड़ा, नाग को। किस नाग को, बेरी नाग। और बेरी नाग पीर पंजाल दोस्तों कहां रहेगा हमारा, जम्मू कश्मीर में। नंबर नेक्स्ट आती है दोस्तों व्यास नदी, यहां से एक बार पेपर में आया था सीजीएल में, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, विपासा। उसमें पूछ लिया व्यास नदी का पुराना नाम क्या था, विपासा। तो दोस्तों ये कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। किस हिसाब से कनेक्ट करेंगे, विपासा शादी किससे करेगी, रोहतास से। विपासा शादी किससे करेगी, विपासा लड़की है और लड़की शादी तो करेगी ना दोस्तों, तो विपासा शादी किससे करेगी, रोहतास से। तो व्यास या विपासा नदी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा रहेगा दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश। अब बात आती है रावी, दोस्तों जो रावी थी ना वो विपासा की क्या थी, सिस्टर। तो रावी और विपासा क्या थी, एक दूसरे की बहने थी, ठीक है। तो रावी, रावी का कुछ संबंध किससे हो जाएगा, रोहतास से, क्योंकि रावी रोहतास की क्या हो गई दोस्तों, साली हो गई ना।
तो रावी और विपासा बहने और दोनों का संबंध किससे था? रोहतास से। तो रावी भी कहां से निकलेगी दोस्तों? रोहतांग दर्रा। ये भी कहां रहेगा? हमारा हिमाचल प्रदेश में। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों महानदी। महानदी में हमें महादेव नजर आ रहा है। महादेव और महादेव दोस्तों किस भगवान को कहते हैं? भगवान शिव को। भगवान शिव को हम क्या कहते हैं? महादेव। तो महानदी कहां से निकलेगी दोस्तों? शिवा की पहाड़ियों से। और शिवा की पहाड़ियां कहां रहेगी दोस्तों? मध्य प्रदेश। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा में दोस्तों हमें क्या नजर आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण क्या थे? महान थे। कृष्णा में क्या नजर आया दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण क्या थे? महान थे। तभी तो महाभारत का युद्ध अर्जुन को बिना शस्त्र उठाए जितवा दिया। तो कृष्ण भगवान क्या थे दोस्तों? महान। तो महान से पढ़ लेंगे महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहां रहेगा दोस्तों? हमारा महाराष्ट्र में। नंबर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों लूनी। लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग की पहाड़ियां राजस्थान। लूनी दोस्तों हमने देखा होगा जो सेम का एरिया होता है ना, वहां दीवारों पर सफेद सफेद रंग का एक पदार्थ जम जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लूनी। दोस्तों अगर लूनी से बचना है ना तो कहां चले जाओ? राजस्थान। लूनी क्योंकि राजस्थान में दोस्तों वाटर लेवल होता है ना वो बहुत नीचे होता है। तो लूनी से बचना है तो कहां चले जाओ दोस्तों? राजस्थान। और राजस्थान में प्रॉपर जगह पूछे तो नाग की पहाड़ियां। दो दोस्तों नदियां रहती है, एक है गंगा। गंगा निकलती है दोस्तों गंगोत्री से, और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। पेपर में ये भी क्वेश्चन आए हैं गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री। दोनों दोस्तों ये दोनों कहां रहेंगे? यूपी के उत्तराखंड। गंगा और यमुना कहां से? गंगा गंगोत्री से निकलेगी, यमुना यमुनोत्री। और ये दोनों जगह कहां है? उत्तराखंड में। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप ना कनेक्ट करोगे चीजों को तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और मैंने मेरे अनुसार आज का जो हमारा सेशन रहा अगर आपने शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो आपको बड़ा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप कॉमेंट जरूर कीजिए। आप कॉमेंट करोगे ना तभी हमें पता चलेगा कि हमारे लेक्चर में कमी कहाँ रह गई। तो धन्यवाद दोस्तों।